अब ये और ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे। 10,000 बम वाली लड़ी है ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं दिवाली का व्लॉग शूट करने वाली हूँ। पता नहीं मैं पोस्ट करूँगी या नहीं, बट मेरी तरफ से ना सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ और ये मेरी मेहंदी का कलर आया है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में कंप्लीट अपना मेहंदी शेयर की थी, तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और अभी जस्ट मेरे को जो ड्रेस पहननी है वो ऑल्ट्रेशन के लिए गई हुई है, पता नहीं वो भी आएगी या नहीं आज, मतलब तो देखते हैं कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। बाकी कंप्लीट दिवाली व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए अब जल्दी से ना मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज, वन नाइट बिफोर यानी कि छोटी दिवाली को ना मैं मार्केट गई थी रात को 1 बजे मेहंदी लगवाने के लिए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, और हमारे यहाँ पर जो मेहंदी लगती है उनके रेट है 150 रुपीज़ से। ये जो मैंने अपना हैंड लगवाया ना, ये 150 रुपीज़ पर हैंड लगाया था, फ्रंट और बैक दोनों। लेकिन उन्होंने मेरे दोनों हाथ आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट्स में कवर कर दिए थे। और ये जैसे आप देख सकते हो कि मेरी कंप्लीट मेहंदी ना एक हाथ की लग चुकी है, और दूसरी हाथ की लगाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा कौन पकड़ता। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मेहंदी का कलर आप लोगों ने देख लिया, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखा ही दिया है। तो मेरी ड्रेस नहीं आई थी, तो मैंने तब तक सोचा कि हेयर स्टाइल ही बना लेती हूँ। तो मैंने ये वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर लिया था, आप लोगों के साथ मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इससे ना बहुत ही अच्छे कर्ल हुए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और ना दिवाली पे लव का दांत टूटने वाला है, उसके बेचारे मुंह में ना खून आ रहा है उसके। यहाँ से बताऊं तुझे लव, गंदी बात, बेचारा परेशान हो रहा है अब। तो जब तक मेरी ड्रेस रेडी होकर नहीं आई है, तब तक मैंने सोचा कि बाकी के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दियो में तेल डाल रहे हैं, और ठीक है यार, बाकी के काम भी ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। दिवाली पे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी दिए थे, और इसके बाद मैं डायरेक्ट 7:30 पर गई थी अपनी ड्रेस लेने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी ड्रेस ऑल्ट्रेशन पर गई हुई है, और अभी ना मैं आई हुई हूँ अपनी ड्रेस लेने के लिए, और भैया अभी भी ऑल्टर कर रहे हैं, ये आप देखो। और जो मैंने अपना रेड कुर्ता सिलवाया था ना, वो यहीं से सिलवाया था। अगर आप लोगों को एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन आपको ना कमेंट कर बताना पड़ेगा। और 7:30 तक भी मेरी ड्रेस नहीं मिली थी, आप देखें कि यहाँ पर भी मेरी ड्रेस ऑल्टर हो रही है अभी तक। उसके बाद मैं घर आई, और घर आकर मेकअप वगैरह किया ड्रेस पहनने के बाद, और ये है फाइनल लुक, और ये है मेरी कंप्लीट ड्रेस। ये गाउन है और इस पर थ्रेड वर्क है, और बीच बीच में ना स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे फ्रंट में, और इसमें कैन कैन भी लगी हुई है। आपको कंप्लीट लुक कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। रेडी होने के बाद हमने थोड़े से और दिए जलाए, रंगोली बनाई, और उसके बाद हमारे घर में हुई थी पूजा। तो पूजा में हमारे यहाँ ज़मीन पर बैठकर होती है, तो यहाँ पर अभी भाभी प्रिपरेशन कर रही हैं। और ये आप जैसा देख सकते हैं कि सारा सामान, सारा नहीं है, आधा ही है अभी भी, बट लक्ष्मी गणेश जी आ चुके हैं और पूजा की प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर मम्मी सबसे पहले भगवान जी को टीका लगाने के बाद हम सबको लगाती हैं। तो मैं हूँ, और ये मेरा बड़ा भाई है, और ये छोटा सा मेरा भतीजा है, लव इसका नाम है। इसको सब परेशान करते रहते हैं, और ये भी हमें परेशान करता रहता है। और ये मेरा सेकंड ब्रदर है, ये भी मेरा बड़ा भाई है, और ये मैं आ गई कैमरा रख कर रिकॉर्ड करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कंप्लीट व्लॉग। और अभी भी ना लव परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर कह रहा है। ये भाभी हैं, और अब लगाएंगी मम्मी मेरे टीका, उसके बाद हमारे घर में होगी आरती। और आप लोगों ने देखा ना कि इतना ज़्यादा नॉटी है, बस परेशान ही करता रहता है मेरा नेफ्यू, इसके साथ कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो अभी हम करने वाले हैं आरती, तीन हो गया। हाँ तो चार हो जाएंगे ना, जोड़ा हो जाएंगे, दो जोड़े।
तिल नहीं बोला मैंने भी, तिल है दिल्ली है तो लाइए जल्दी आ जाओ भाभी आ रही है साथ में अभी हम बाहर दिए रखने जा रहे हैं और साथ में ना भाभी दिए ला रही हैं आ जाओ थोड़ी सी नीचे आओ और ये भाभी भी आ गई आ जाओ एक मिनट मैं ना फैन ऑफ कर दूँ आ जाओ अभी और ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएंगे मिस्टर रोहित गुप्ता तेरी शक्ल तो दिखाओ और ये 10,000 बम वाली लड़ी है ना तो बड़ा भारी मैटर है और ना अब ये 10,000 बम वाली लड़ी छुटाने वाले हैं ये मिस्टर रोहित गुप्ता आप चाहे तो इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं ये देखो ये लड़ी ले जा रहे हैं लड़ी है और ये बिछ चुकी है यहाँ से वहां तक चलो ये हमारी डेयरिंग भाभी जला दी और ये मेरी कंप्लीट ड्रेस है मैंने आप लोगों को बताया कि मैं
बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैं ड्रेस लाई हूँ और ना ये थोड़ी सी यहाँ से फिटिंग में नहीं आई, यहाँ पर जो इसके शोल्डर है ना वो ब्रॉड थे तो मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने ये काट के फिर से ठीक किए हैं। मुझे मेरी ड्रेस दिवाली पे एटलीस्ट मिल गई तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से ली। और आपको कंप्लीट ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए ना नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।